इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस का मतलब होता है चेन ऑफ फैक्ट्स एसोसिएटेड विथ फैक्ट इन इशू इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में, इन रिलेशन टू कॉज एंड इफेक्ट। Which leads you to a definite conclusion, जो आपको एक definite conclusion पर लेके जाते हो, उन्हें हम कहते हैं indirect evidence या circumstantial evidence। आज के इस particular video में हम जिस long question को cover कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में इसे पूछा गया है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एविडेंस एंड इनडायरेक्ट एविडेंस। Can a person be convicted merely on the basis of circumstantial evidence? क्या किसी person का conviction केवल सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे हो सकता है? अब देखो, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस के बारे में बात किया था, जिसमें कुल 9 कैटेगरीज ऑफ एविडेंसेस को हमने समझा था। तो अभी कुछ दिनों तक हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस के बीच क्या डिफरेंस है, जिसे हम आज के इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस के बीच क्या डिफरेंस है, और हियरसे एविडेंस क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं विथ प्रॉपर नोट्स एग्जाम्पल्स एंड केस लॉज। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एविडेंस क्या है। देखो, डायरेक्ट एविडेंस वो एविडेंस होता है जो किसी भी फैक्ट को डायरेक्टली प्रूव करता है बिना किसी प्रिजम्पशन के। ठीक है, या आप कह सकते हो कि डायरेक्ट एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो फैक्ट एंड इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली प्रूफ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एविडेंसेस। ठीक है, तो व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस? इट रेफर्स टू एन एविडेंस विच प्रूफ्स अ फैक्ट डायरेक्टली, जो किसी फैक्ट को डायरेक्टली प्रूफ करता है विदाउट एनी प्रिजम्पशन, बिना किसी प्रिजम्पशन के। या आप कह सकते हो एन एविडेंस विच प्रूव्स एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू डायरेक्टली, नोन एज डायरेक्ट एविडेंसेस। एग्जाम्पल क्या हो सकता है डायरेक्ट एविडेंस का? आईविटनेस, या कोई डॉक्यूमेंट
ये सभी क्या है, ये सभी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट एविडेंसेस के। एग्जाम्पल के लिए मान लो ए के ऊपर ये चार्ज लगता है कि इसने बी का मर्डर किया है, ए मर्डर्ड बी। सी एक ऐसा पर्सन है जो टेस्टिमनी देता है कोर्ट में और ये कहता है कि ए को बी का मर्डर करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो यहां सी कौन है, आई विटनेस है, जो ये बता रहा है कि उसने ऑफेंस होते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो सी इज व्हाट, सी इज डायरेक्ट एविडेंस। सी क्या है, डायरेक्ट एविडेंस है, ये विटनेस है, ही इज आई विटनेस। तो सी वॉज द पर्सन, सी वो पर्सन है हु saw the occurrence, जिसने ऑफेंस होते हुए देखा है। तो सी कौन है, सी है डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट एविडेंस, राइट। चलिए अब इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है उसे समझते हैं। देखो अगर आप सेक्शन 3 जिसमें डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग को इंटरप्रेट किया गया है, जैसे फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, रिलेवेंट फैक्ट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, इन सभी टर्म्स को अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो इस वीडियो में जा करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखो, इनडायरेक्ट एविडेंस का मतलब होता है चेन ऑफ फैक्ट्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं किसे, फैक्ट एंड इशू से। तो इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस का मतलब होता है चेन ऑफ फैक्ट्स एसोसिएटेड विथ फैक्ट इन इशू इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में, इन रिलेशन टू कॉज एंड इफेक्ट, विच लीड्स यू टू अ डेफिनेट कंक्लूजन, जो आपको एक डेफिनेट कंक्लूजन पर लेके जाते हो उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो इनडायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या होते हैं, तो ये चेन ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं किससे, फैक्ट एंड इशू से, किस रिलेशन में, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन में, जो आपको एक डेफिनेट कंक्लूजन पर लेके जाते हो उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंस। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या है। जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ही इज स्मोकिंग अ सिगरेट। ठीक है, तो सिगरेट या स्मोकिंग इज अ कॉज बिहाइंड कैंसर। तो कैंसर क्या है, कैंसर इज द इफेक्ट ऑफ कॉज विच इज स्मोकिंग सिगरेट। ठीक है, तो ऐसे चेन ऑफ फैक्ट्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं फैक्ट एंड इशू से, किस रिलेशन में, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन में। अभी हम कॉज एंड इफेक्ट को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जो आपको एक डेफिनेट कंक्लूजन पर
लेकर के जाते हों, उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ठीक है, चलिए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है। देखो, कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो उस जगह पर कमिट किए जाते हैं, उस वे में कमिट किए जाते हैं कि हमारे पास कोई भी आई विटनेस या कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे रिलाई करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, एन एग्जाम्पल कैन बी गिवन ऑफ फुटप्रिंट्स विच आर फाउंड ऑन सैंड। ठीक है, तो जहां क्राइम कमिट हुआ था वो जो एरिया था वो क्या था, वो सैंडी एरिया था, जहां पे कुछ फुटप्रिंट्स पाए गए थे। तो फुटप्रिंट्स के बेसिस पे हम ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई वहां पे आया था, और फुटप्रिंट्स के साइज और उनके शेप के बेसिस पे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कोई एनिमल आया था या कोई पर्सन आया था, कोई मैन आया था। तो हमने देखा नहीं है कि कौन आया था कौन नहीं आया था, लेकिन इन फुटप्रिंट्स के बेसिस पे हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि कोई जानवर आया था या कोई पर्सन आया था। तो ये है सर्कमस्टांशियल एविडेंस का एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डायरेक्ट एविडेंसेस की हेल्प लेंगे। इन केस अगर कोई डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है तो हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे रिलाई कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं जिसे अभी हम समझेंगे। चलिए तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो ए इज चार्ज्ड विथ मर्डर ऑफ बी। ए के ऊपर बी के मर्डर का चार्ज लगा है। तो इस पर्टिकुलर केस में दो तरह से एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। मान लो कोई एक थर्ड पर्सन आए, ठीक है, जो ये कहे कि बी को मर्डर करते हुए या बी का मर्डर करते हुए ए को सी ने देखा था। जब ए बी का मर्डर कर रहा था तो मैंने ये चीज़ होते हुए अपनी आंखों से देखा था, मैं इस क्राइम का आई विटनेस हूँ। तो एक ये चीज़ हो सकता है, या हो सकता है कि किसी पर्सन ने ये ऑफेंस होते हुए नहीं देखा हो, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंसेस कुछ इस प्रकार से दे सकता है अगर कोई आई विटनेस अवेलेबल ना हो। जैसे हम डिफरेंट चेन ऑफ फैक्ट्स को लिंक करके एक्यूज्ड को गिल्ट ठहरा सकते हैं। जैसे कि ए और बी को देखा गया था एक साथ जाते हुए ऑन दी बैंक ऑफ रिवर, और दो घंटे के बाद देखा गया कि ए जो है अकेला आ रहा था और इसके क्लॉथ्स पे ब्लड स्टेन थे, ये पैनिक में था और उधर से अकेला आ रहा था। और उसके आधे घंटे के बाद ए को बी के डेड बॉडी के साथ पाया गया।
तो देखो, हमने शुरुआत में ही बात कर लिया था कि चेन ऑफ फैक्ट्स एसोसिएटेड विथ फैक्ट एंड इशू इन रिलेशन टू कॉज एंड इफेक्ट, जो आपको एक डेफिनेट कंक्लूजन पर लेकर के जाते हों, वो कहलाएंगे सर्कमस्टांशियल एविडेंस या इनडायरेक्ट एविडेंसेस। तो क्या हमने ये देखा है या किसी ने ये देखा है कि ए बी का मर्डर कर रहा था? किसी ने देखा है? लेकिन हम इन फैक्ट्स के बेसिस पे, जो कि क्या है, कॉज है, जो कि हमें इस कंक्लूजन पर लेकर के जा रहे हैं, इस इफेक्ट पर लेकर के जा रहे हैं कि ए ने ही बी का मर्डर किया है, ठीक है। तो ये है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो यहां पे किसी ने ये नहीं देखा है कि ए ने ही बी का मर्डर किया है, लेकिन जब हम डिफरेंट फैक्ट्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, तो हम एक डेफिनेट कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। ये क्या है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ठीक है। ओके, रिसेंटली जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, आप देखोगे उसमें भी हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं अवेलेबल था। किसी ने भी ये नहीं देखा था कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा का मर्डर किया है, लेकिन आफ्ताब के कन्फेशन के बेसिस पे और जो डिफरेंट फैक्ट्स उसने बताए, उन सभी फैक्ट्स को जब हमने कंसीडर किया तो हमने आफ्ताब को गिल्टी पाया, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये है आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस या इनडायरेक्ट एविडेंस। तो अगर किसी पर्टिकुलर केस में डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो हम इनडायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कंसीडर करके केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि क्या किसी पर्सन को केवल इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे कॉन्विक्ट किया जा सकता है, या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के एविडेंशियरी वैल्यू क्या होते हैं, उसे हम समझते हैं। देखो, तो कॉन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, देखो, इफ अ केस टोटली रेस्टिंग ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस, अगर कोई केस टोटली सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे रिलाई करता है, तो जो भी एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन के द्वारा दिए जाएंगे या जितने भी डिफरेंट फैक्ट्स को लिंक करके कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, वो एक्सक्लूसिवली पॉइंट करते हों एक्यूज्ड के गिल्ट को प्रूव करते हों, और कोई रीजनेबल डाउट ना बचता हो उसके इनोशंस को लेकर के, तब हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे रिलाई करके उसे कॉन्विक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कहता है कि इफ अ केस टोटली रेस्टिंग ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस, अगर कोई केस टोटली सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है, तो जितने भी एविडेंसेस दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कमस्टांसेस ब्रॉट बाय द प्रोसिक्यूशन शुड एक्सक्लूसिवली पॉइंट टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड के गिल्ट की ओर इशारा करते हों, एंड इट मस्ट नॉट लीव एनी अदर हाइपोथेसिस, और कोई अदर हाइपोथेसिस नहीं होने चाहिए जो एक्यूज्ड के इनोसेंस की तरफ इशारा करते हों, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चांस हमें दिखाई दे रहा है उसके इनोसेंट होने का, तो कोर्ट उस पर रिलाई कर लेगा, ठीक है। ओके, तो केस है हमारे पास एसपी भटनागर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एसपी भटनागर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फोर इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर्मुलेट किया और ये कहा कि अगर कोई केस टोटली रिलाई करता हो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे, तो इन सभी एलिमेंट्स का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, यानी हमें
इन चार एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है। अगर ये चार एलिमेंट्स हम पाते हैं तभी हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस को बेस मान के उस पर्सन को कॉन्विक्ट कर सकते हैं। तो इन एसपी भटनागर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट वाज डीलिंग विद केस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस फॉर्मुलेटेड फोर एसेंशियल एलिमेंट्स टू बी बॉर्न इन माइंड वाइल सॉल्विंग अ केस रेस्टिंग एंटायरली ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। पहला यह है कि सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी स्टेब्लिश्ड कंप्लीटली। पहला कहता है कि देखो क्योंकि बारिश आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। तो देखो यहां पे कह रहा है कि जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन। तो देखो जिन भी सर्कमस्टांसेस को हम कंसीडर कर रहे हैं ताकि हम एक्यूज्ड के गिल्ट को प्रूव कर सकें वो फुल्ली या कंप्लीटली स्टैब्लिश होना चाहिए। दूसरा, ऑल द फैक्ट्स सो स्टैब्लिश्ड टू ड्रॉ अ कंक्लूजन शुड बी कंसिस्टेंट विथ हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड। और जितने भी फैक्ट्स को हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, जितने भी फैक्ट्स को हम एसोसिएट कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और केवल एक्यूज्ड के गिल्ट की ओर इशारा करती हो और कोई अदर हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए उसके इनोशंस को लेकर के। तीसरा कह रहा है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो कंक्लूसिव इन नेचर होने चाहिए, जो हमें एक डेफिनेट कंक्लूजन पर लेकर के जाती हूँ। जैसे ए और बी को देखा गया था जाते हुए ऑन द बैंक ऑफ रिवर, उसके दो घंटे के बाद ए उधर से अकेला आ रहा था, आधे घंटे के बाद उसे बी के डेड बॉडी के साथ देखा गया। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी है, ये जो भी फैक्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट इन नेचर हैं जो हमें एक डेफिनेट कंक्लूजन की ओर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट है, सर्कमस्टांसेस मस्ट एक्सक्लूड एवरी अदर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट वन प्रपोज टू बी प्रूव्ड। और जो भी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं वो सभी दूसरे हाइपोथेसिस को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं एक्सेप्ट वन जिसे हम प्रूव करना चाहते हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। तो ये जो भी सर्कमस्टांसेस को हमने कोर्ट में पेश किया वो ए के गिल्ट की ओर इशारा कर रही है, ना कि उसके इनोसेंट की ओर इशारा कर रही है। तो ये था सर्कमस्टांशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस के बीच क्या डिफरेंस है, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस का क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अगर कोई केस एंटायरली सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है तो हम एक्यूज्ड को गिल्टी तभी मानेंगे जब जितने भी सर्कमस्टांसेस को हमने एक दूसरे के साथ जोड़ा है वो केवल और केवल एक्यूज्ड को पूरी तरह से कंप्लीटली गिल्ट प्रूफ करती हूँ। किसी भी प्रकार का हमारे पास अदर हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए उसके इनोसेंट को लेकर के, ठीक है। तो ये था एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हमने आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया। अब अपने आने वाले लेक्चर्स में हम प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बीच क्या डिफरेंसेस हैं विथ प्रॉपर नोट्स उसे समझेंगे, और फिर हम हियरसे एविडेंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन 4 में चलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो एविडेंस लॉ का लेक्चर है वो आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा रीच बढ़े और चैनल का ग्रोथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।